आज क्या है? भगवान श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, राम सीता जानकी की। हम लोगों ने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन वो भूतकाल में चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही मन में चिंतन कीजिए, मानस मन में चिंतन कीजिए। सर्वप्रथम हम सभी वैष्णवों को आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी इधर बैठे हुए हैं, आप सभी कृपा करके आशीर्वाद दीजिए कि हमने जो भी पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है उसको दोहरा सके। हम हमारे परम आराध्य गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। वास्तव में जब हम इस्कॉन में आए थे तो हमको लगता था कि इस्कॉन वाले कृष्ण की बात ही नहीं करते हैं, राम की बात ही नहीं करते हैं, केवल कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, रामायण के बारे में सुनने को ही नहीं मिलता है। लेकिन हमने गुरु महाराज से सुना, 7 दिन सुबह 3 घंटा शाम को 2 घंटा, इतना लंबा सेमिनार दिया था 7 दिन रामायण के ऊपर। और वो बोलते थे कि इस्कॉन के भक्तों को रामायण के विषय में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि रामायण आदर्श का ग्रंथ है, आदर्श ग्रंथ। कैसे हम लोग अपने जीवन में आचरण करें, कैसा व्यवहार हो, कैसे संबंध हो, यह सब हमको रामायण सिखाते हैं। इसलिए बहुत ही विशेष ग्रंथ है। और श्रील प्रभुपाद भी प्रायः कई बार भगवान रामचंद्र के उदाहरण से प्रवचन किया करते थे। जब प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिर भारतवर्ष में बनाना प्रारंभ किया, तो जुहू में उससे पहले हैदराबाद में प्रभुपाद ने राम लक्ष्मण जानकी की स्थापना की, तो कई लोग पूछने लगे कि आपने, आपके इष्ट तो कृष्ण है, आपने राम दरबार की स्थापना क्यों की है? प्रभुपाद बोले, देखो हमारा है प्रचार का काम, हमारा एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है, तो लोग आएंगे राम का दर्शन करने, हम उनको कृष्ण दे देंगे, वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो एक सुंदर पद गा रहे थे, उसमें अंत में गा रहे थे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, क्योंकि जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे उस स्थान का भाव ग्रहण करके भगवान को स्मरण करते थे। तो दक्षिण भारत में प्रायः भगवान राम हर एक क्षेत्र में गए, क्योंकि जब अरण्य में उनको भेजा गया, वन में जब भेजा गया, तो हर एक क्षेत्र में भगवान राम गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तो उन्होंने भी श्री रामचंद्र को स्मरण किया, उनका कीर्तन किया। और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी उसी तरह भगवान राम के पद चिन्हों के चलते हुए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? देखिए, लंका में रावण का आधिपत्य था, लेकिन लंका के दूर दूर देश में भी, भारत में भी उसका कहर था। उसके डर के मारे ऋषि मुनि परेशान थे, सामान्य जन भी दुखी थे। तो लंका का प्रभाव रावण का भारत तक था, उसी प्रकार पाश्चात्य देशों का प्रभाव भी भारत में है। लंका में रावण बैठा है, लेकिन रावण का साम्राज्य सब जगह फैला हुआ है। उसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति ने हमको इतना ग्रसित कर लिया है। थोड़ा अपने आप को हम देखें, हमारा बोलचाल, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, है ना, मेहमान घर में आते हैं सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? चाय। ये चाय कहां से आई है? भारत की नहीं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति, संस्कृति तो है ही नहीं, पाश्चात्य प्रभाव में हम लोग डूबे हुए हैं। तो भगवान राम ने पहले तो रावण की लंका का अंत करा, और इतना ही नहीं किया, रावण का जहां जहां भी प्रभाव था उसका भी अंत कर दिया।
तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद भी जैसे भगवान राम लंका में घुस के रावण का अंत किए, वैसे ही श्रील प्रभुपाद भी न्यूयॉर्क शहर में घुस के इस्कॉन की संस्थापना की कि अमेरिका में जाकर के पाश्चात्य जगत में ही कली का प्रभाव को ध्वंस कर देंगे। तो जहां जहां लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाए हुए हैं वह सब भी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के कृष्ण भावना में आ जाएंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद के ऊपर भगवान राम की विशेष अनुकंपा थी। तो हम लोग आज उसी क्रम में अरण्यकांड से चर्चा करने वाले। हमने पिछले साल रामनवमी के अवसर पर 5 दिन अयोध्या कांड के ऊपर चर्चा की थी। अयोध्या कांड में हमने देखा था कि भगवान चित्रकूट आ चुके हैं और भरत भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट आए, और उसके बाद अरण्यकांड की शुरुआत होती है। ये अरण्यकांड बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि ये साधु संतों की महिमा को बताता है। ये अरण्यकांड में हम साधु संतों की महिमा को देखते हैं। भगवान की महिमा तो प्रायः सभी शास्त्रों में मिलती है, लेकिन कुछ कुछ खंड शास्त्रों के ऐसे होते हैं जहां साधु संतों की महिमा मिलती है। और भगवान भी अरण्य में गए, वन में गए साधु संतों से मिलने के लिए। तो अगले 4 दिन आज से शुरू करके हम लोग अरण्यकांड की कथा सुनेंगे। तो चित्रकूट में भरत आ चुके हैं और भरत भगवान राम को मनाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। दिन भर वार्तालाप चलती रही, वाद विवाद चलता रहा, प्रेम का वाद विवाद, कलह प्रेम कलह चलती रही, लेकिन भगवान राम नहीं माने। रात में भरत सो रहे हैं और आकाश की तरफ देख रहे हैं और खुली आंखों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। उनका एक ही सपना है कि कब भगवान रामचंद्र का राज्याभिषेक होगा। आज अभिषेक में कौन कौन आए थे, हाथ खड़ा कीजिए। बहुत लोग आए नहीं थे। सुबह भगवान का अभिषेक होता है और भक्त लोग अभिषेक तक उपवास करते हैं। तो भक्त लोग भी ऐसे ही चातक पक्षी की तरह देखते रहते हैं कि कब अभिषेक होगा और हमारा व्रत पूरा होगा, फिर हम भी घटाघट चरणामृत पिएंगे। लेकिन भरत की ऐसी भावना नहीं थी। भरत की भावना थी कैसे भगवान राम राजा बन जाए। ये भक्त की भावना होती है, कैसे भगवान को आनंद मिले, मेरा आनंद नहीं भगवान का आनंद। इसको प्रेम बोलते हैं। आत्मेन्द्रिया प्रीतिवांछा धरे काम नाम, कृष्णेन्द्रिया प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर स्वयं की इंद्रियों को भोग करने की इच्छाएं हैं तो उसको काम वासना बोलते हैं। कितना ही लव यू भेजिए, वो क्या है? काम वासना। लेकिन जब कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, भगवान राम को संतुष्ट करने के लिए इच्छा होती है तो वह इच्छा प्रेम कहलाती है। तो भरत उस तरह बहुत अथक प्रयास कर रहे थे कि हम कैसे न कैसे भगवान राम का अभिषेक करा दें। तो उस प्रकार वार्तालाप होती जा रही थी। अगले दिन फिर भगवान राम के समक्ष भरत आ गए। अब भगवान राम बोलते हैं, भरत तुम चले जाओ। भरत बोलता है, मैं अपने ये पापी काया को लेकर कहाँ जाऊंगा, मैं बहुत पापी हूं, ये पापी काया को लेकर के मैं किधर जाऊंगा। भगवान राम बोलते हैं, तुमने पाप कब किया, कोई प्रमाण तो दो, तुमने पाप कब किया। तो बोले, आपका वनवास ही तो प्रमाण है। आप वन में आए किसके लिए? मेरी वजह से। अगर मैं होता ही नहीं तो आपको वन में आना ही नहीं पड़ता। भगवान राम बोलते हैं, फले न परिचायते। किसी परिस्थिति को उसके फल से हम निर्धारित कर सकते हैं कि शुभ है कि अशुभ है। मैं वन में आया, अब मुझे सतत साधु संतों का संग मिल रहा है। तो भरत, अब तुम बताओ, साधुओं का संग पुण्य से मिलता है कि पाप से मिलता है, कैसे मिलता है? साधु संतों का संग कैसे मिलता है? पुण्य से मिलता है। तो तुमने पाप किया कि पुण्य किया? तुमने वास्तव में अनेक पुण्य करे हैं जो तुमने मुझे वन में भेज दिया। तो खूब मनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान नहीं मान रहे। भगवान बोलते हैं, भरत
तुम अयोध्या वापस चले जाओ और मेरे मेरे राज्य की तुम देखभाल करो। तो भरत अश्रुपूर्ण भाव से भगवान को प्रणाम करके जाना चाहते हैं और भगवान बोलते हैं कि अगर किसी के मन में भी विचार आएगा कि भरत के अंदर थोड़ी सी भी कुटिलता है तो उसका लोक और परलोक दोनों डूब जाएगा। अब ये बात सुन के सब प्रसन्न हुए, दो लोगों को चिंता हो गई, दो लोग भारी ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया। कौन कौन? एक लक्ष्मण और एक निषादराज। क्योंकि जब भरत आ रहे थे सेना लेके, तो निषाद आकर के खबर दिए थे कि देखो भरत भरत सेना लेके आ रहा है, भगवान राम पे आक्रमण कर रहा है, और लक्ष्मण भी तैयार हो गए थे कि हाँ इस कुटिल जटिल व्यक्ति को हम बताएंगे कि कैसे भगवान राम के प्रति इसका कुव्यवहार है। तो दोनों को चिंता हो गई, ये लोग भी गया और परलोक भी गया, दोनों गए। तो वशिष्ठ मुनि को थोड़ा सा इशारा किया, तो वशिष्ठ मुनि भगवान राम को बोलते हैं और उनका क्या, जिन्होंने गलती से सोच लिया हो उनका क्या होगा? तो भगवान राम दोनों को देखे, निषाद राज और लक्ष्मण को, और बोले कि ठीक है, गलती जिनसे हुई है वो भरत के चरणों में प्रणाम करें, सेवा करें और भरत के नाम का जाप करें। भगवान वहां पर बोलते हैं कि अगर भक्तों के प्रति अपराध है तो भक्तों का नाम लेकर के प्रणाम करके उनकी सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए हम लोग रोज भगवान के नाम जप करने के अंत में क्या गाते हैं, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। तो भगवान के नाम के समान भगवान के भक्तों के नाम में भी शक्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्राय गोपियों का नाम लेते थे। तो राम और निषाद राज ने नई माला शुरू की उस दिन से भरत नाम। अब भरत जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाते जाते माता सीता को प्रणाम करते हैं। देखो बहुत लोगों ने, कई लोगों को आपस में प्रणाम किया होगा, लेकिन भरत की भावना कितनी शुद्ध है। वो सीता माता को प्रणाम कर रहे हैं चरणों में और निवेदन कर रहे हैं। क्यों सीता को प्रणाम करके गए? देखो जिसके पास जो वस्तु है उसी से मिल सकती है। सीता के पास क्या है? सीता ने भगवान राम को सर्वश्रेष्ठ प्राथमिकता दी अपने जीवन में। सर्वप्रथम जनकपुरी को छोड़ा, हम लोग अभी अयोध्या गए थे तो एक वहां के भक्त बता रहे थे कि सीता माता कभी भी भूमि को स्पर्श ही नहीं की थी अपने पैरों से, जनकपुरी में भूमि को स्पर्श ही नहीं की थी। तो किसी ने पूछा कि अरे तो फिर बचपन में खेलती कैसे थी? तो बताया कि जनक महाराज ने सीता देवी के लिए 1 किलोमीटर by 1 किलोमीटर का पलंग बनाया था। वह 1 किलोमीटर स्क्वायर उस पलंग पर खेला करती थी। थोड़ी बड़ी हुई सहेलियां गण खेलने के लिए निवेदन करती थी तो गद्दों के गद्दों बिछाए जाते और उसके ऊपर फूल की पंखुड़ियां डाली जाती। सीता हमेशा फूल की पंखुड़ियों के ऊपर चलती थी, कभी भी भूमि को जिसने स्पर्श नहीं किया वह जनकपुरी को छोड़ करके आए। और जनक महाराज ने जाते जाते इतना धन वैभव उपहार में दे दिया था कि अयोध्या में लाकर के जब उसको रखा तो उसका पर्वत बन गया, उसको बोलते मणि पर्वत, पर्वत बन गया। इतना धन वैभव जनक महाराज ने दिया था। अब कौशल्या जी को चिंता हुई, जिसके पिताजी ने इतनी उपहार दिए हो उनको मुंह दिखाई में क्या देंगे, कुछ तो बड़ा होना चाहिए, हम तो बड़े राजा हैं तो कुछ तो बड़ा होना चाहिए, नहीं तो लड़के वाले लड़की वालों में तो स्पर्धा होती है, तो क्या दें, हमारा तो कुछ बड़ा होना चाहिए। तो कौशल्या ने एक भवन बनाया स्वर्ण का, बोले स्वर्ण के उपहार दिए हैं, हम पूरा भवन ही स्वर्ण का बना देंगे। उसका नाम था कनक भवन। वो कनक भवन मुंह दिखाई में सीता को दे दिया। सीता ऐसे वैभव को छोड़ के भगवान राम के साथ चली गई और आगे हम लोग सुनेंगे कैसे लंका को भी ठुकरा दिया।
लंका का वैभव, जहां बड़े बड़े देवताओं को रावण ने बंदी करके रखा था, सीता ने वो वैभव भी ठुकरा दिया। तो भगवान राम के लिए जिसने सब कुछ छोड़ा हो, जिसने राम को सबसे ऊपर रखा हो, वह सीता है। इसलिए भरत सीता के चरणों में गिर के निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आपने सब कुछ के ऊपर राम को रखा है, मेरे जीवन में भी मैं भगवान राम को प्राथमिकता दूं, मैं किसी लोक प्रलोभन में ना पड़ जाऊं। यह प्रार्थना करके भरत जाने के लिए तैयार होते हैं। तो एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि भरत समर्पण किए हैं और भगवान राम भक्त वत्सल है, भगवान कभी भी अपने शरणागत भक्तों की उबेलना नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते, तो कैसे भगवान राम ने भरत की प्रार्थना की उपेक्षा कर दी, क्या कारण था? तो दूसरा बोलते हैं कि भरत एक भक्त है, लेकिन अरण्य में हजारों हजारों साधु संत प्रतीक्षा कर रहे हैं राम का वाहिनी, अगर ट्रेन वो स्टेशन तक पहुंची नहीं तो उनका टिकट तो बेकार हो जाएगा, तो ट्रेन को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो भगवान राम ने भरत की भावना को कम प्रधानता दी अरण्य के साधुओं से, और भरत पराजित होकर के जा रहे हैं फिर भी आनंदित हैं। क्यों आनंदित हैं? क्योंकि भक्त की भावना होती है कि जैसे भगवान रखेंगे वैसे हम रहेंगे। एक बार एक साधु काशी में कुछ लोगों के साथ नाव पार कर रहा था, नाव में नदी पार कर रहा, तब बीच में नाव पहुंची और नाव डगमगाने लगी, उसमें पानी भरने लगा, तो लोग बड़े चिंतित हो गए, नाविक को बोलने लगे हमको बचाओ, सब लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, पानी बाहर डालने लगे। एक साधु बाबा जो बैठे थे वो नाचने लगे कि हरी तोरी नैया डगमग जाए, हे भगवान आपकी नाव डगमग हो रही है, नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। लोग सोचे ये शायद इसका स्क्रू ढीला है, अब ये ज्यादा हिलेगा तो और जल्दी डूब जाएंगे। तो लोगों ने बोला कि एक काम करो, इसको उठा के पहले नदी में फेंक दो। दूसरे ने बोला अरे वैसे ही पाप कर्मों की वजह से नाव डूब रही है, दूसरे साधु को नदी में फेंक दोगे तो और जल्दी डूब जाओगे, तो ऐसा काम मत करो। अब तो साधु को और प्रोत्साहन मिल गया कि हमको फेंकेंगे तो नहीं, तो अपना कमंडल उठा के नदी से पानी नाव में डालने लगा। लो अभी और चिंता हो गई, ये क्या चल रहा है, बेचारा नाविक वगैरह सब परेशान। ऐसे जैसे नाव किनारे पे लगी, जब किनारे पे लगी साधु फिर कमंडल से नाव का पानी खाली करने लगा। लोग पूछते हैं बाबा तुम तो बड़े बेकार आदमी हो, पहले तो हमको डुबाने के लिए प्रयास कर रहे थे और नाव किनारे लग गई है, अब पानी खाली कर रहे हो। बोले ना मैं भर रहा हूं ना मैं खाली कर रहा हूं, मैं केवल भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा हूं। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। मैं केवल अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा मिलाने की प्रयास कर रहा हूं। जब मैंने देखा कि नैया डगमग जा रही है, डूबने वाली है, तो मैंने कहा राम जी डुबाना चाह रहे हैं तो मैं जल्दी डुबा देता हूं, और जब किनारे लग गई तो अब क्या डूबेगी, तो कम से कम जो पानी भरा उसको खाली कर दूं। यह साधु होता है, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूं, मेरी इच्छा नहीं। भगवान के पास आकर के यही प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आप क्या चाहते हैं वो कीजिए, मैं तो अनजान हूं, मैं नहीं जानता मुझे क्या मांगना चाहिए, मैं तो विषय वस्तु मांग रहा हूं, विष मांग रहा हूं, और ज्यादा परेशान होता जा रहा हूं। अब आपको विषय लेना है देना है आपकी चिंता। तो भगवान उस प्रकार चित्रकूट में निवास करने लगे, भरत वापस चले गए, सारी माताएं गुरु जनक सुनैना सब वापस चले गए। अब चित्रकूट में भगवान राम और सीता बड़े प्रेम से निवास कर रहे हैं, वहां नेचुरल एसी है, अरण्य की हवा पवन, वहां पर रूम फ्रेशनर नहीं डालना पड़ता है, वहां पर उद्यानों से पुष्पों की सुगंध आती है, और म्यूजिक नहीं लगाना पड़ता है, वहां पर कोयल अलग अलग पक्षी पशु अरण्य इत्यादि अपनी ध्वनियों में भगवान राम और सीता की सेवा करते थे। तो इस प्रकार चित्रकूट में निवास करने लगे।
एक दिन भगवान राम ने सोचा कि सीता को हम जब अयोध्या में रहते थे कई उपहार लाके देते थे, अभी जब से वन में आए हैं कोई उपहार नहीं दिया है, तो क्या उपहार देंगे? वन में क्या मिलेगा? कुछ पुष्प मिलेंगे। तो भगवान राम अपने हाथों से पुष्प चुन के लाते हैं और सीता के लिए माला इत्यादि बनाते हैं। भगवान राम ने तो पूरी नापी हुई है सीता, कितना बड़ा बाजूबंद होगा, कितने बड़े हाथ होंगे, कितना बड़ा हार होगा, कितना पुष्प सिर पे लगेंगे, सारा कैलकुलेशन बिठा के भगवान राम अपने हाथों से सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। जब ये श्रृंगार हो रहा था, सीता की मानव सुंदरता करोड़ों गुना बढ़ गई। अब ये दृश्य लाइव टेलीकास्ट देख रहा था इंद्र के बेटा जयंत। जयंत बैठा था स्वर्ग में और वहां से देख रहा था कि अरे इतनी सुंदर नारी है, वन में है और ये साधु बाबा इसको सजा रहा है और ये इतनी सुंदर दिख रही है कि हमारी स्वर्ग की अप्सराएं फेल हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भगवान राम कहां है? वन में है तो भी संतुष्ट है। इंद्र का बेटा जयंत कहां बैठा है? स्वर्ग में बैठा है, फिर भी असंतुष्ट है। आप यदि वर्तमान में संतुष्ट नहीं है, पूरे पृथ्वी के राजा बन जाइए फिर भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो जयंत वहां से देख करके स्पर्धा करने लगा, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इनको हमको सबक सिखाना पड़ेगा, और अगर ये इतना ही बड़ा प्रतापी है तो इसकी परीक्षा भी थोड़ी कर लेते हैं। जयंत एक कौए का वेश धारण करके आता है। यहां भगवान राम बेचारे बड़ी मेहनत करी थी उन्होंने, पुष्प तोड़े, सजाया, थक गए, महिलाओं का श्रृंगार वैसे ही टाइम लगता है तो पूरा करने थक गए, तो सीता की गोदी में ही सो गए। अब जयंत कौए के रूप में आया और सीता माता को प्रहार करने लगा, अपनी चोंच से सीता माता के ऊपर प्रहार करने लगा। सीता माता के चरित्र देखिए, वो जयंत को जाने के लिए बोल रही है। क्यों जाने के लिए बोल रही है? उनको पीड़ा हो रही है उसके लिए नहीं, दो कारणों से। एक तो कि भगवान राम की निद्रा भंग ना हो जाए, ये प्रथम बात, और दूसरी बात है कि कहीं राम जग गए तो तेरा क्या होगा जयंता, तुम्हारा क्या होगा, तुम तो जाने वाले हो। तो देखो मां की करुणा है ना, सारी संतान तो उनकी है। तो जयंत को भगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जयंत नहीं भाग रहा है, भगवान राम उठ जाते हैं। बस सीता को जिसने प्रहार किया राम कैसे छोड़ देंगे? राम ने वहीं पर एक तृण रखा था, उसी को फेंका। अब वो तृण एक बाण के रूप में परिवर्तित हो गया और जयंत का पीछे करने लगा। अब जब मुसीबत होती है ना तो बच्चे कहां जाते हैं? वैसे माता पिता की याद नहीं आती है लेकिन मुश्किल में सबसे पहले फोन माता पिता को ही जाता है। तो जयंत ने कॉल लगाया होगा, शायद कॉल उठाया नहीं, तो तुरंत चला गया स्वर्ग में। स्वर्ग जाकर के इंद्र के सामने आ गए, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, क्या हुआ, पीछे देखो, पीछे क्या आ रहा है, पीछे तो बाण दिख रहा है, किसका क्या करके आए तुम? बोले मैं गया था चित्रकूट। बोले चित्रकूट से तो लोग पवित्र होके आते हैं, तुम ये कहां मौत लेके आ गए, ऐसा क्या काम किया तुमने? बोले वहां पर दो लोग मिले, सीता और राम, बस मैंने थोड़ा सीता को छेड़खानी करी, थोड़ा प्रहार किया, राम ने बाण छोड़ दिया। इंद्र ने वैसे माथा पकड़ लिया, लो हमारे पश्चिमों पे चल रहे हो बेटा, हम बार बार परेशान करते हैं भगवान को, तुम भी उसके पीछे ही चल रहे हो। बोले क्यों, तुम अस्त्र शस्त्र तो लेके गए नहीं, प्रहार कैसे किया? बोले चोंच से किया। चोंच से? जन्म के समय तो तुम्हारी चोंच नहीं थी, अभी चोंच कहां से आई? बोले पिताजी हम कौवा बन के गए थे, लो बनना था तो कुछ अच्छे ही बनते, बने तो भी क्या बने, कौवा बन के गए। बोले इसमें हमारा दोष नहीं है पिताजी, इसमें आपका ही दोष है। क्यों? आपने संस्कार ऐसे दिए, मां गौतम ऋषि की पत्नी के पास जाके उसको आपने छेड़ा नहीं छेड़ा, तो हम आपके पश्चिम में चल के और सीता को छेड़ने चले गए। इंद्र तो बड़ा परेशान, बोले बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। डर के इंद्र ने उसका साथ छोड़ा। देखिए
जयंत ने इंद्र का नाम और डुबा दिया, पहले से तो खराब था और डुबा दिया। वन में राम के आचरण से दशरथ का नाम ऊपर हो गया। तो ऐसे संस्कार दिए जाए जिससे हमारे परिवार, हमारा नाम बड़ा है। हम लोग विरासत में बहुत कुछ दे करके जाते हैं, संस्कार देना चाहिए। तो कोई बोल सकता है कि हमारे पास, खुद ही के पास संस्कार नहीं है, हम तो संस्कार टीवी जानते हैं बस, संस्कार तो है नहीं, तो हम कैसे संस्कार देंगे? उसका भी उपाय है शास्त्रों में। उसका उपाय है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप के संस्कार नहीं थे, कयाधु भी असुर पत्नी थी, लेकिन कौन के पास पल्ले पड़ गए? नारद मुनि के पल्ले पड़ गए। नारद मुनि ने गर्भ में जो पाठ पढ़ाया, प्रहलाद ने भगवान को ही प्राप्त नहीं किया, 21 पीढ़ियों को तार दिया। तो अगर साधुओं के संग में हम आ जाएं, तो सत्विचार साधु संग के गौण फल है। तो उस प्रकार से संस्कारों की कमी भक्तों को कभी नहीं आती। यहां जयंत को इंद्र ने ठुकरा दिया, बोला बेटा यू आर ऑन योर ओन, देख लो अपनी कैसे तुमको बचना है। अब जयंत बेचारा भाग के गया, बोले चलो इनके हेड ऑफिस जाते हैं, देवताओं के ऊपर है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोला बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने बोला बहुत लोग आते हैं तुम्हारे जैसे, पहले सत्युग में दुर्वासा आए थे, अभी तुम आ गए, भैया हमको मालूम है मदद नहीं करना है, फिर डांट पड़ती है बाद में, जाओ यहां से। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव ने भी पत्ता नहीं दिया। अभी सोचा अब तो मौत आने वाली है, जयंत आगे आगे भाग रहा है, पीछे पीछे बाण आ रहा है, रस्ते में मिल गए नारायण नारायण, ये सही समय पर एंट्री लेते हैं। नारद मुनि आ गए, नारद मुनि जयंत कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो? बोले वैसे ही मृत्यु पीछे करे, अब आप मत टाइम खराब करो। बोले रुको रुको, मरने तो वाले हो, वहां मरो चाहे यहां मरो, थोड़ा रुक जाओ, हमसे बात करके जाओ। क्या हुआ? बोले देखो ये राम जी का बाण हमारे पीछे आ रहा है, पूरी कहानी बताए। नारद बोले थोड़ा सोच के देखो, जब राम तीर चलाते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कब तरकस से तीर निकला, कब धनुष पे चढ़ा, कब चल गया और कब वो मर गया, उसको ही पता नहीं पड़ता है। आप इतना वलटूर करके आ रहे हो, ये तीर ने आपको मारा क्यों नहीं, तो पीछे पीछे चल रहा है। हाँ बात तो सही है, इंद्रलोक में इतनी आपने बातचीत की, वहां खड़ा रहा, ब्रह्मलोक में खड़ा रहा, शिवलोक में खड़ा रहा, अभी हम बात कर रहे हैं, देखो अभी वो पास है, तो क्यों नहीं मार रहा है आपको, क्या बात है? जयंत बोला हमको तो मालूम नहीं। बोले भगवान भी तुम जैसे दुष्टों को देख करके सोचते हैं मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि मारेंगे तो भगवान के बाण से मरेगा तो सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी, और बच गया तो सीता को क्या बोलेंगे, तो दोनों ही मुश्किल है, तो इसलिए तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी आप ही उपाय बताओ क्या करना चाहिए। बोले जाओ, जिसके प्रति अपराध किया है उसी की शरण में जाओ, दूसरों के पास क्यों जाते हो? समस्या जब आती है दूसरों के पास क्यों जाते हो? कभी छोटे बच्चे माता पिता को इस तरह बोलते हैं कि इस महीने तो आपने पूरा हमारा देखभाल कर लिया, खाने पीने को भी दिया, हमारी पूरी फीस भी भर दी, इलेक्ट्रिक बिल भी भर दिया, अगले महीने का व्यवस्था करोगे या कहीं और जाओ? बच्चे पूछते हैं कभी ऐसा? नहीं पूछते। तो जिस भगवान ने आपको आश्रय देना है उसके पास जाओ, वो आपको माफ कर देंगे। बोले जाकर के बोलूंगा क्या? बोले बोलना वोलना कुछ नहीं है, चरण में गिर जाना, बोल देना आज से मैं आपका हूं, बस भगवान राम की प्रतिज्ञा है, कोई एक बार बोल देता है कि आज से मैं आपका हूं, बस उसे अभय प्रदान कर देते हैं। गुरु मंत्र लेकर के जयंत चला गया, जयंत जाकर के भगवान राम और सीता के चरणों में पड़ गया, तो भगवान मैं आपका। भगवान राम बोले वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि ये सब कार्यक्रम किया क्यों था? बोले भगवान आपकी शक्ति देखनी थी, आपका प्रभाव देखना था। बोले देख लिया प्रभाव? देख लिया। तो वापस क्यों आए हो? बोले क्योंकि अभी आपका स्वभाव समझ में आ गया है। भगवान राम ने बोला ठीक है बेटा, अब ये बताओ नारद कहां मिले थे तुमको, क्योंकि ये सब प्रभाव स्वभाव वही सिखा सकते हैं तुमको, और कोई नहीं सिखा सकता है। ये नारद का ही चमत्कार है, साधुओं का ही चमत्कार है कि भगवान को दे देते, इसलिए नाम है नारद, जो नारायण प्रदान कर दे। तो इस प्रकार से जयंत को भगवान ने माफ किया, और जैसे हम इंग्लिश में बोलते टोकन पनिशमेंट,
थोड़ा सा दंड देने के लिए एक आंख उसकी फोड़ दी। अब जयंत स्वर्ग में गया, भगवान राम की कीर्ति बखान करने लगा, सारे देवी देवता इकट्ठे होने लगे, बोले हम भी जाएंगे भगवान राम का दर्शन करेंगे। भगवान राम को व्हाट्सएप मैसेज आ गया कि ये सब आ रहे हैं, लाइव लोकेशन आ गई, तभी क्या करें। भगवान राम ने बोला यहाँ भीड़ लगेगी, हम वन में आए थोड़ा एकांत में ऋषि मुनियों से सुनने, अब यहाँ भीड़ लगने लग जाएगी तो ऋषि मुनि भी हमको पूछने लगेंगे, तो हमको ऐसी भीड़ नहीं चाहिए। तो भगवान ने सोचा कैसे तो चित्रकूट छोड़ के हमको जाना है, तो कैसे जाएं कैसे जाएं सोच ही रहे थे। तो हमने तो आपको बताया साधुओं का क्या विचार होता है, भगवान की इच्छा को पूरा करना। तो इतने में चित्रकूट के साधु संत सब इकट्ठे हो गए, सबके हाथ में अपना कमंडल, अपनी जपमाला, बोले हम ये चित्रकूट छोड़ के जा रहे हैं। भगवान बोले क्यों जा रहे हो छोड़ के, हमने कोई गलती कर दी क्या, क्या सीता से कोई अपराध हुआ, क्या लक्ष्मण ने आपका सम्मान नहीं किया, क्या बात है क्यों जा रहे हो। तो साधु संत बोलते हैं आपका ही तो विचार था जाने का, चलो ठीक है पूछ रहे हो, तो हमको जाना है क्योंकि खर नाम का राक्षस हमारे नाक में दम किया हुआ है, और ये स्थान को जब भी हम यज्ञ करते हैं वह इस यज्ञ को अपवित्र कर देता है, तो हमको इस स्थान को छोड़ के जाना है। ठीक है और कोई बात भी है, बोले हाँ ज्यादा समय साधुओं को एक जगह पर नहीं रहना चाहिए, चलता हुआ साधु और बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं है, तो साधु को हमेशा विचरण करते रहना चाहिए, तो हम ज्यादा समय यहाँ रहेंगे तो फिर आसक्त हो जाएंगे, इसलिए हम जा रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कहाँ जा रहे हो थोड़ा हमको भी बता दो, हम दंडकारण्य में जा रहे हैं, अरण्य में जा रहे हैं। भगवान ने सोचा कि कोई भी व्यापारी होता है वो व्यापारी क्या करता है, ऐसे स्थान को चुनता है जहां उसका व्यापार ज्यादा हो। मान लो आप इस्कॉन मंदिर में आके कंघी बेचो, कितनी कंघी बिकेंगी आपकी, सब ऐसे मिलेंगे आपको, कितनी कंघी बिकेंगी। कंघी बेचना है तो ऐसी जगह जाओ जहां लोग केश को संवारते हो। तो उसी प्रकार से भगवान को चित्रकूट में ज्यादा राक्षस नहीं मिल रहे थे, दंडकारण्य राक्षसों से भरा हुआ था, तो भगवान ने सोचा दंडकारण्य ही जाएंगे। इतना घना जंगल, उसके बीच में लक्ष्मण आगे जा रहे हैं सारे खरपतवार वृक्ष इत्यादि को छाटते हुए, सीता बीच में चल रही हैं, राम पीछे से उनकी सुरक्षा करते हुए चल रहे हैं। ऐसे करके जब जा रहे थे कई भेड़िए कई गिद्ध उनको रास्ते में मिले, और कई पशुओं की हड्डियां इत्यादि उनको रास्ते में मिली, सीता डर रही थी, भगवान राम उनको साहस देते हुए वन में अंदर जाते हैं। 14,000 राक्षस दंडकारण्य में रहा करते थे, तो सारे साधु ऋषि जब दंडकारण्य में भगवान को देखते हैं सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कोई अपने वाटिका से पुष्प ला करके देता है, कोई अपने आश्रम से कंदमूल ला करके देता है, किसके पास जहाँ अग्नि की व्यवस्था हो वो आरती करता है, किसी के पास कुछ नहीं है तो अश्रुपात करके ही भगवान को स्वागत करता है, सभी लोग स्वागत करते हैं। और वो लोग भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके बच्चे हैं। भगवान बोलते हैं तुम्हारी दाढ़ी हमसे लंबी, तो हमारे बच्चे हो, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत हमारे बच्चे कहाँ से हो गए। बोले बच्चे ही नहीं, इतने छोटे बच्चे हैं जैसे गर्भ में हो। गर्भ में कहाँ से गर्भ में आ गए तुम लोग। बोले हाँ विश्वस्य धाम ने तदी उदर आया था, विश्वस्य धाम ने आपके उदर में ही तो पूरा विश्व है, आपके पेट में ही तो पूरा विश्व है, तो हम भी आपके पेट में है, और पेट के अंदर बच्चा तो असहाय होता है, तो आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आज से हमारा पालन भार आपका है। तो इस प्रकार साधु ऋषियों को भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान पूछते हैं आसपास में कोई महान संत रहते हैं क्या। बोलते हैं हाँ थोड़ी दूर जाइए आपको अत्रि ऋषि की कुटिया मिलेगी। भगवान राम अत्रि ऋषि की कुटिया में जाते हैं। पहले के नाम जो होते थे व्यक्ति के स्वभाव से मैच होते थे, अभी तो होते हैं ना आंख के अंधे नाम नयन सुख, तो अभी के नाम बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। कंगाली व्यक्ति उसका नाम होगा धनपत रहा है, कंगाल होगा एकदम, तो इस प्रकार से नाम नहीं। अत्रि जिसके अंदर तीन विकार ना हो, काम क्रोध लोभ। जब जीवात्मा के अंदर काम आता है और उसकी वो पूर्ति करने का प्रयास करता है तो लोभ आ जाता है, और काम इच्छाएं बढ़ती जाती है। जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, तो दोनों ही अवस्था में जीवात्मा और ज्यादा भौतिक संसार में ग्रसित होता जाता है।
तो जो ये तीनों से ऊपर उठ गए हैं वह अत्रि हैं, और उनके पास भगवान राम स्वयं जाते हैं, उनको खोजना नहीं पड़ता है, भगवान उनको खोजते हुए जाते हैं। तो भगवान अत्रि के पास जाते हैं और अत्रि से बोलते हैं, देखिए हम तो जंगल में नए नए आए हैं, तो आप हमको शिक्षा दीजिए। और अत्रि बैठा के भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा देते हैं, वन में कैसे रहना, कैसे चलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर का पानी पीना किधर का पानी नहीं पीना, यह सब शिक्षा देते हैं। यह भगवान की महानता है। यहां उज्जैन में भी हम देखते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर के कृष्ण बलराम शिक्षा लेते हैं। हम लोग जब भी पिछले महीने ही अयोध्या गए थे, बहुत ही हृदय स्पर्शी कथा हमने सुनी कि कैसे अलग अलग भक्तों के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं। अत्रि ऋषि भगवान को सिखाना चाहते थे, गुरु भाव था, तो भगवान सीखने लगे। ऐसे ही अयोध्या में कुछ ही वर्ष पहले की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ही वर्ष पहले एक संत हुआ करते थे जो वशिष्ठ गोत्र के थे। तो अपने आप को भगवान राम का गुरु बताते थे कि हम तो वशिष्ठ गोत्र के हैं, भगवान राम के हम गुरु हैं। तो वो क्या करते थे, एक अयोध्या के एक मंदिर के बाहर एक अच्छा सा ब्लैक बोर्ड रखा उन्होंने, और चौक और बत्ती से रोज का खा गा सब पढ़ाते थे। अब लोग आते जाते उनका बड़ा मजाक उड़ाते, किसको पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा अंदर जाके दर्शन तो कर लो। बोले नहीं नहीं, भगवान राम को हम पढ़ाते हैं, हम उनके गुरु हैं, आपको मालूम नहीं। लोग सोचते थे ये पागल है। तो एक दिन सबने सोचा कि इसको उठा के मंदिर के अंदर ले जाएंगे, कितने दिन सीढ़ी पे बैठा रहे, अंदर ले जाके दर्शन तो कराना चाहिए। तो चार पांच लोगों ने उसको उठाया और उठा करके दर्शन कराने के लिए अंदर ले जाने लगे, तो वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, बोले अरे कैसे भक्त हो, तुमको दर्शन कराने तो ले जा रहे हैं, तुम रो क्यों रहे हो। बोले नहीं, हम राम के गुरु हैं और राम हमारे बेटे जैसे हैं और सीता हमारी बहू है, तो हमारे सामने सीता कैसे लज्जा प्राप्त कर जाएंगी, उनको कैसे कैसे खड़ी होंगी, तो हम नहीं जाना चाहते उनके दरबार को भंग करने के लिए, तो आप हमारा मनोभाव मत भंग कीजिए। लेकिन जबरदस्ती उनको लेकर के अंदर लेके गए, और जैसे ही अंदर लेकर के गए, सीता माता का घूंघट अपने आप नीचे आ गया और भगवान राम का मुकुट झुक गया। जब उस संत ने देखा कि मेरे आने से दोनों राम और सीता को कष्ट उठाना पड़ा, मंदिर के अंदर ही उसने प्राण त्याग दिया। आज भी वो मंदिर अयोध्या में है। तो उस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। यह अत्रि ऋषि सिखाना चाहते थे तो बैठ करके भगवान राम सीख रहे थे। अब सीता माता को इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, कहाँ पानी वानी खाना वाना ये तो सब यही इंतजाम करेंगे, हमको थोड़ी इंतजाम करना है। तो सीता माता को अनुसूया ने बुलाया, अत्रि की पत्नी। अनुसूया ने बोला आप अंदर आ जाइए, आपके लिए हमारे पास एक विशेष चीज है। अब महिलाओं को कोई विशेष चीज क्या होती है, हाँ, कपड़े, आभूषण, कॉस्मेटिक्स, यही है ना। तो अनुसूया को पता है सीता है तो है भगवती, लेकिन है तो महिला। तो अनुसूया सीता को बोलती है क्या वेश पहन करके आए हो। बोले माता ने यही पहना के भेजा तो यही पहन के आए, और इतने दिन से गंदा हो गया, कपड़ा भी चेंज नहीं किया। बोले नहीं, एक ही सेट दिया था तो क्या करे। अनुसूया ने ऐसे वस्त्र दिए सीता को जो कभी मैले नहीं होंगे, और दिव्य आभूषण दिए जिनका भार भी नहीं लगेगा और जो बड़े बड़े दिखेंगे और जिनका प्रकाश दूर दूर तक जाएगा कि अंधेरे में भी सीता चल सके, और दिव्य साज सज्जा का सामान दिया। ऐसा भी रामायण में लिखा है, ब्यूटी पार्लर तब से चल रहा था, तो उस समय से साज सज्जा का सामान अनुसूया ने दिया। यह सब प्राप्त करके अनुसूया ने बोला देखो, सती नारी को कभी भी बिना श्रृंगार के नहीं रहना चाहिए, तो आपको हमेशा श्रृंगार करके रहना है। तो अनुसूया से ये सब ले करके राम लक्ष्मण सीता आगे चले। अब आगे जब चले तो एक विशाल काय राक्षस उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था, जिसका नाम था विराट। ये विराट इतना विशाल काय था जैसे मानो कई मंजिलों का भवन हो, और इसके हाथ में एक भाला था जिसमें चार शेर, दो चीते, दो भालू, एक हाथी और 10-12 हिरण पहले से ही उसने मार करके अंदर उसमें लटका रखे थे, इतना विशाल काय।
आ करके सीधा सीता को उठाता है और पीछे रख लेता है और दहाड़ने लगता है। अब यह प्रथम बार था जब सीता राम से थोड़ा सा दूर हुई थी। राम जैसे ही सीता को देखते हैं कि अरे इसने उठा करके सीता को पीछे रख लिया, राम रोने लगे। जो इतने शक्तिशाली हैं, सभी शक्तियों के स्रोत हैं, वो रोने लगे। बोले मेरी सीता को कैसे स्पर्श किया, मेरी सीता को मुझसे दूर कैसे किया। लक्ष्मण बोलते हैं तो कैसेटी उल्टी हो जाएगी। तो लक्ष्मण थोड़ा साहस देते हैं, अरे आप चिंता मत करो, हम ही इनको निपटा देंगे, भरत का गुस्सा स्टॉक में है। भरत के ऊपर गुस्सा निकालना था, आपने तो वहां लोक परलोक की कहानी बता दी, तो वो गुस्सा स्टॉक में है, इसी के ऊपर पूरा निकाल देता हूं। तो लक्ष्मण चित्कार करके जैसे ही राक्षस की तरफ जाने वाले थे, राम उनको रोक देते हैं। राम बोलते हैं रुको रुको, थोड़ा बातचीत से सुलह करने दो। राम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं राक्षस को, भद्रता देखनी है तो भगवान राम में देखनी चाहिए। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण है, ये सीता है, हम लोग अयोध्या से आए हैं, हमको वन में भेजा गया है, माता पिता की आज्ञा से आए हैं। राक्षस बोलता है इंट्रोडक्शन हो गया, अब जाओ। बोले मेरी सीता? बोले वो मेरे पास रहेगी। अब भगवान राम को बड़ा क्रोध आया। भगवान राम ने अपने स्वर्णम तीर निकाल करके उसके ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मारे थे विराट को, कुछ नहीं हो रहा, वो हंस रहा है। अब भगवान के अमोघ बाण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो हंसते हंसते बोलता है कि आपको पता है हमको ब्रह्मा जी का वरदान है, अस्त्र शस्त्र हमारे ऊपर काम नहीं करते। हाँ हाँ, तो हंसते जाता है। अब क्या करे, भगवान राम भी चिंता में। तो इसने दोनों राम और लक्ष्मण को उठा करके कंधे पे बिठाया, भाग गया वन में। अब यहां सीता रोने लगी कि दोनों चले गए, हमको अकेला छोड़ गए, ये समस्या, ये राक्षस ऐसा दोनों को उठा के भाग गया। राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारों से उसकी दोनों बाहुएं काट दी, राक्षस नीचे गिर गया। भगवान ने उसको पैर से दबा दिया, बोलते देखो हमको पता है तुम्हारा अस्त्र शस्त्र से वध नहीं होगा, तुम ही बता दो कैसे वध होगा, नहीं तो ऐसे ही दबा के रखेंगे। तो असुर बोलता है महाराज हम एक गंधर्व थे, तुम गुरु हमारा नाम था, और हम कुबेर के उद्यानों की रक्षा करते थे। एक बार मजे में दम मारो दम में चूर थे, कुबेर ने हमको बुलाया, हम जा नहीं पाए, कुबेर ने हमको श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ, तो हमारी क्या गलती। बोले हाँ द्वारपालों का ऐसे ही होता है, मैं जय विजय को भी श्राप मिला था, चिंता मत करो। तो अभी बताओ उपाय, बताओ तुम्हारा कैसे क्या करना है। बोले एक बड़ा गड्ढा खोदिए, हमको उसमें डाल दीजिए, दफना दीजिए, हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण गड्ढा खोदो। लक्ष्मण गड्ढा खोदने लगे, बोले ठीक है आपको हम छोड़ देंगे। तो छोड़ तो देंगे, मुक्त भी कर देंगे, जाते जाते ये तो बता दो आगे जाना क्या है, रास्ता क्या है। तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता कि हम इधर से आए थे कि उधर से आए थे, पता पड़े दोबारा अयोध्या पहुंच गए, तो बताओ कहाँ जाना है। बोले नहीं आप इस दिशा में जाइए, 10 मील दूर एक बहुत बड़े साधु रहते हैं जिनका नाम है सरभंगा। सरभंगा साधु के आप कुटिया में जाइए। भगवान उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। अब जब उसकी कुटिया के पास पहुंचे तो राम लक्ष्मण सीता ने एक बहुत अभूतपूर्व दृश्य देखा। उनकी कुटिया की पार्किंग में बड़े बड़े गाड़ियां लगी हुई थी, BMW, ऑडी, ये सब नहीं, एरावत, अलग अलग स्वर्णिम घोड़े, क्या क्या तो भी वहां पर दिव्य रथ इत्यादि खड़े थे। उन्होंने बोला ये साधु है, इसके पास इतने बड़े बड़े रथ कहां से आए। तो देखा कि इंद्र स्वयं कुटिया से बाहर आ रहे हैं और कई गंधर्व चारण इंद्र की उपासना कर रहे हैं, साधु संत भी इंद्र की उपासना कर रहे हैं, और इंद्र आ करके अपने हाथी पर बैठे और चले गए। लक्ष्मण ने बोला कोई बड़ा आदमी लगता है, साधु तो नहीं होगा, पक्का कोई बहुत बड़ा आदमी, अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था। राम बोलते हैं चलो जा करके देखते हैं। तो भगवान राम षडभंग की कुटिया में गए। जैसे ही अंदर गए, षडभंग अपने आसन से उठ करके भागता है, भगवान राम के चरणों में गिर जाता है। पूरा उसका शरीर तपस्या से जीर्ण हीर्ण था, जटाएं थी, बड़े बड़े केश थे, और इतनी जर्जर अवस्था हो गई थी शरीर की कि मानो किसी पेड़ को 100 वर्ष से पानी ना मिला हो। ऐसी अवस्था में भगवान राम को अश्रुओं से चरण को धुलाते हैं और भगवान राम बोलते हैं आप कौन है। बोले मैं षडभंग हूं और मैं यहां पर कई कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं।
और मेरी तपस्याओं का फल है कि आज मुझे आपका दर्शन मिल रहा है। लोग कई बार चुनौती देते हैं, हमको भगवान दिखाओ, हमको भगवान दिखाओ। भगवान स्वयं आ गए षडभंग को दर्शन देने के लिए। तो षडभंग इस प्रकार से प्रेममयी बातें कर रहा था, अब लक्ष्मण से रहा नहीं जा रहा। लक्ष्मण बोले, थोड़ा सा हम एक प्रश्न पूछ लें, बताइए वो जो बाहर इतने देवी देवताओं के वाहन खड़े थे, थोड़ा वो बताइए क्यों आए थे, क्या आपकी कोई सेटिंग वेटिंग है, क्या कुछ है क्या? षडभंग बोलते हैं, वास्तव में इंद्र हमको स्वर्ग ले जाने के लिए आए थे। इंद्र हमको बोल रहे थे कि आप स्वर्ग में निवास कीजिए, आपकी तपस्याओं का फल है कि हम स्वर्ग देंगे। तो हमने इंद्र को बोला कि हमको पता है भगवान राम भूमंडल पर अपनी लीला करने वाले हैं, तो ऐसे 100 स्वर्ग कुर्बान है भगवान राम के दर्शन के लिए। लक्ष्मण ने बोला, अब समझ में आ गया क्यों यहाँ पर राम चल के आए। तो इस प्रकार से षडभंग को बहुत सुंदर से भगवान ने आदान प्रदान किया, और क्योंकि उनका शरीर जड़ 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 हो गया था, भगवान राम ने उनको वैकुंठ का वास दिया। बोले, अब तुमको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, वैकुंठ चले जाओ। वहां से भगवान राम थोड़ा आगे गए, और जाते जाते षडभंग ने बताया था कि आप सुतीक्ष्णा की कुटिया में जाना, सुतीक्ष्णा भी आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे इंद्र का कॉल हमें हमेशा आता रहता है, बैंक वालों का आता है ना, फ्री लोन लीजिए फ्री लोन लीजिए, ऐसे इंद्र का कॉल उनको भी आता है कि हमारे स्वर्ग में आ जाइए स्वर्ग में आ जाइए। इंद्र की समस्या क्या है, कोई ज्यादा तपस्या कर लेगा तो इंद्र का आसन उसको मिल जाएगा, तो पहले ही प्रलोभन दे देता है, या तो अप्सरा भेज के तपस्या भंग कर देगा, या पोस्ट दे करके स्वर्ग में बुला लेगा। तो आप उसको भी जाकर के उद्धार कीजिए। अब भगवान राम सुतीक्ष्णा की कुटिया में पहुंचे। जब सुतीक्ष्णा की कुटिया में बैठे पहुंचे, सुतीक्ष्णा ध्यान लगा रहा है, आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर रहा है, और वो केवल और केवल भगवान राम के ही रूप का स्मरण करता था। उसके सामने विष्णु भी आ जाए उसको नहीं भाते थे। तो भगवान राम तो बाहर खड़े हैं, ये आंख बंद करके बैठा है। भगवान ने सोचा इसका मोबाइल बंद करना पड़ेगा तभी आंखें खोले। कई बार बच्चे अगर देखते रहते हैं ना, मोबाइल छुड़ाना पड़ता है। तो भगवान ने हृदय से झांकी को बंद किया। जब बंद किया तो चटपटा के सुतीक्ष्णा ने आंखें खोली, और सामने वही रूप में भगवान राम को देखा। सुतीक्ष्णा चरणों में गिर गया, भगवान को बहुत वंदना करने लगा, भगवान भी उसको बहुत स्नेह करने लगे। फिर सुतीक्ष्णा से भगवान राम बोलते हैं कि सुतीक्ष्णा मांगो, तुमको क्या चाहिए? सुतीक्ष्णा बोलता है कि हमने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, हम तो भिक्षुक थे, हमको जो दे जाता है वो स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको जो देना है दे दीजिए। भगवान को सरलता बड़ी अच्छी लगी। भगवान ने बोला, चलो ठीक है, तुमको आज से भक्ति देते हैं। सुतीक्ष्णा बोला, भक्ति आई कि नहीं आई समझ में नहीं आया, थोड़ा कुछ और दे दीजिए, एक और इच्छा है। राम बोले, अभी तो बोल रहे थे मांगना नहीं आता। बोले, आपने तो बिगाड़ा है, देखे अब हम बिगड़ गए, हमारी अभी पूरी करो इच्छा। क्या इच्छा पूरी करो? कि जैसे आप हमारे सामने खड़े हैं बस ऐसे ही आपका चिंतन हम हमेशा करते रहे, मृत्यु के समय बस आपका यही रूप हमको दर्शन हो जाए, हमको और कोई अभिलाषा नहीं है। भगवान ने उसको वह आशीर्वाद दिया। अब भगवान बोलते हैं कि सुतीक्ष्णा, यहाँ आसपास में कोई रहने की अच्छी जगह है क्या? सुतीक्ष्णा बोलते हैं, लो होटल वाले से पूछो कि कोई और अच्छा होटल है क्या, थोड़ी बताएगा, हमारे होटल सबसे अच्छा है, हमारी कुटिया में रहिए। भगवान राम उस रात में रहे। अगले दिन सुतीक्ष्णा को राम पूछे, तुमको विश्वास है हम यहाँ रह सकते हैं? सुतीक्ष्णा बोला, देखो हमने लोभ में आपको यहाँ रुका तो लिया, एक समस्या है, यहाँ बड़े हिरण आते हैं, और हिरण आकर के बड़ा परेशान करते हैं हमको, थोड़ा हमको भगाना पड़ता है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम ने जैसे हिरण का नाम सुना चिंता आ गई, अरे अभी सीता हरण हिरण के चक्कर में ही होगा, तो अभी इतने जल्दी नहीं कराना है, थोड़ा आगे और भी लोगों से मिलना है, तो इतने जल्दी हिरण नहीं चाहिए भाई, आपके घर में हम नहीं रहेंगे, तो आप हमको बताओ अगस्त मुनि कहाँ रहते हैं? सुतीक्ष्णा बोला, आपको क्यों बताएंगे, हम साथ में लेके जाएंगे। मैं क्यों, आपको पता है अगस्त मुनि कहाँ रहते? बोले हाँ, हमारे गुरु जी हैं तो हमको तो पता ही होगा कहाँ रहते हैं। अच्छा, तो गुरु जी के पास क्यों नहीं रहते हो, फिर अलग से कुटिया क्यों बनाते? बोले, कहानी लंबी है, रास्ते में बताएं तो चलेगा क्या, नहीं तो आप भी हमको भगा देंगे। भगवान राम को डाउट हुआ, ये कोई गड़बड़ वाला आदमी है, चलो कम से कम रास्ता तो बता रहा है। सुतीक्ष्णा रास्ता बताते बताते कहानी बताता है, वास्तव में हम रहते तो गुरु जी के पास ही थे, अगस्त मुनि के पास। अब अगस्त मुनि बड़े तपस्वी,
शालिग्राम रखते, बड़ी पूजा करते, पाठ करते, सब ध्यान मग्न करते। एक दिन गुरुजी को कहीं जाना था, तो गुरुजी ने बोला, बेटा सुतीक्ष्ण, तुम शालिग्राम की देखभाल करना। पहली बार सौंप करके गए, हमको पता नहीं शालिग्राम की सेवा कैसे करनी है, हम तो कर रहे थे। करते करते हमको पेड़ पे जामुन दिख गए, जामुन खाने की बड़ी इच्छा थी। अब अगस्त मुनि के वन में रहने से वन स्वर्ग जैसा हो गया, उनकी कुटिया में ना कंकड़ है, ना पत्थर है, ना कुछ है, डंडा भी नहीं मिला, जामुन कैसे उतारे? तो शालिग्राम पे नजर पड़ी, शालिग्राम भगवान को प्रणाम किया और बस शालिग्राम को ही जामुन के ऊपर फेंक दिया। और शालिग्राम भी सोचे, बेटा तुमको जामुन चाहिए, हम तो नहीं चाहिए। तो जामुन को शालिग्राम ने तोड़ दिए और शालिग्राम जाके नदी में गिरे। अब भयंकर रोना शुरू किया हमने। भगवान राम बड़े इंप्रेस हुए, तुमको शालिग्राम से इतना प्रेम हो गया एक दिन में कि तुम उनके विरह में रोने लगे। बोले, प्रेम प्रेम में नहीं रो रहे थे, गुरु जी की डांट की वजह से रो रहे थे, तो गुरु जी आएंगे फिर डांटेंगे। तो क्या करें शालिग्राम का? तो जो जामुन का गुच्छा गिरा था उसमें एक बड़ा जामुन ही हमने आसन पे रख दिया। उसको बढ़िया आसन पे रखा, तुलसी वुलसी से दबा दिया, बढ़िया शालिग्राम जैसा दिख रहा था। अब गुरु जी आए, रात में तो समझ में आए नहीं, सुबह अगस्त मुनि अपनी संध्या वंदन इत्यादि करने शालिग्राम के सामने बैठे। अभी सुतीक्षण ने पूजा नहीं करने दे, बोले मैं ही पूजा करूंगा, आप नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे, हमारा नियम हम करेंगे, डांट के भगा दिया। अब अगस्त मुनि ने जैसे ही जल डाला, जामुन अलग, जामुन के पपड़ी अलग। बुलाया सुतीक्षण को, बेटा ये क्या हुआ? बोले नहीं, ऐसे ऐसे आपने इतना अभिषेक कराया, शालिग्राम पिघल गया, तो हमारी क्या गलती है? अगस्त मुनि को सब बात समझ में आ गई, खूब गुस्सा हुए, बोले जाओ यहां से, तुम जितना दिन यहां रहोगे गड़बड़ करोगे, यहां से जाओ। तो गुरु जी ने हमको भगा दिया। और जाते जाते गुरु जी ने एक बात बोली थी, जब शालिग्राम मिल जाए तब वापस आना। आज आप मूर्तिमान रामचंद्र मेरे सामने खड़े हैं, जो करोड़ों करोड़ विष्णु के रूप है, तो अभी शालिग्राम क्या साक्षात राम को लेके जाऊंगा तब एंट्री मिलेगी, तो अभी मैं जाऊंगा अगस्त मुनि के पास। चलते चलते थोड़ा आगे बढ़े तो एक विशेष रूप से वहां पर वन का गठन देखा, कई छोटे छोटे पर्वत थे, उन पे चलते जा रहे थे। माता सीता के मन में एक बात आई, क्योंकि जब हिरण की बात सुनी सुतीक्षणा के कुटिया में, तो माता सीता ने सोचा कि लक्ष्मण बड़े तीक्ष्ण स्वभाव के हैं, हम कहीं रुके, कहीं हिरण आया, कोई भालू आया, कोई आया, ये तो तुरंत मार देंगे, क्योंकि इनको तो राम के अलावा कोई सुस्ता ही नहीं है, भरत को मारने वाले थे तो हिरणों को कहाँ छोड़ेंगे। तो राम से सीता बात करती है, बोले देखिए आपसे हमको एक विशेष बात करनी है। अब जब ऐसे पत्नी बोले तो समझना कोई बहुत गंभीर बात है, ये इसको हल्के में मत लेना। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, तुम थोड़ा पेड़ के पास खड़े हो। सुतीक्षणा बोला, तुम थोड़ा और दूर खड़े हो, ये प्राइवेट बात है। सीता से बात करने लगी। सीता बोलती हैं, देखिए आप वन में आए हैं और आपको विशेष तापस वेश लेना है, तो ये तापस वेश में धनुष बाण अच्छे लगते हैं क्या? आप ये धनुष बाण को छोड़ दीजिए, और आप छोड़ देंगे तो लक्ष्मण भी छोड़ देगा। जब आप दोबारा से अयोध्या जाएंगे तब क्षत्रिय धर्म को निभाना, अभी छोड़ दीजिए, अभी आपको धनुष बाण की आवश्यकता नहीं। भगवान राम ने सोचा, अब इनकी बात नहीं माने तो समस्या, माने तो समस्या। भगवान राम ने बोला, बाकी सब तो ठीक है, ये पर्वत थोड़ा अजीब सा दिख रहा है जिस पे हम खड़े हैं, ये पर्वत किसका है? सुतीक्षण को बोला, इधर आओ, ये पर्वत किसका है? सुतीक्षण बोलता है, आपको क्या बताएं भगवान, खर दूषण और जो 14,000 राक्षस यहां है, ऋषि मुनियों को वध कर देते हैं, और वध करके वो उनकी हड्डियों का जो पहाड़ बनाए हुए हैं उसके ऊपर आप खड़े हैं। भगवान राम की आंखों से आंसू आ गए। बोले, सीता अभी तुम चाहती हो मैं धनुष बाण छोड़ दूं? सीता कुछ नहीं बोलती है। राम बोलते हैं, मेरा धर्म है ये साधुओं की रक्षा करना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो मैं अपने धनुष बाण नहीं छोड़ूंगा। तो उस प्रकार से और आगे बढ़े। अब सीता चुप चुप चल रही थी, बात तो मानी नहीं भगवान ने, तो राम ने सोचा इनका थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो भगवान ने अगस्त मुनि की कथाएं सुनाना शुरू की सीता को। भगवान राम भी बड़े चतुर थे, अभी जिससे मिलने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे तो श्रद्धा भी बढ़ेगी,
पैर भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, है ना, नहीं तो धीरे धीरे सब चल रहे थे। भगवान राम बोलते हैं, सीता तुमको पता है दो राक्षस इस वन में रहते थे, एक आतपी एक वातपी। सीता को नाम बड़े अच्छे लगे, बोले आगे बताओ, अच्छा लग रहा है। आतपी वातपी, ये दोनों राक्षसों का साधुओं को मारने का अजीब सा ढंग था। कैसा ढंग था? आतपी आकर के साधु संतों को न्योता देता था कि आप आइए और हमारे भोजन कीजिए। अब बाबा फकीरों को जहां भिक्षा मिलती है चले जाते हैं, चले गए। वातपी खाद्य पदार्थ बन जाता था, मायावी राक्षस कुछ भी रूप ले सकते हैं, खाद्य पदार्थ बन जाता था। अब ये भोजन जीमते वो असुर अंदर चला जाता। अब वातपी अंदर, साधु पुरुष जब भोजन खा लेते तो बोलते कि आतपी तुम भी खा लो। तो आतपी बोलता, देखो हमारा नियम है, हमारे भाई के बिना हम नहीं खाते, तो हम अपने भाई को बुला लें। हाँ बुला लो। तो आतपी बोलता, वातपी आ जाओ। तो जैसे ही वातपी को बुलाता, वातपी पेड़ फाड़ के बाहर आ जाता, तो साधु मर जाता। सीता बोलते, अरे ये तो बहुत बेकार आदमी है, तो इनको कैसे है, अपन कैसे इनको, बोले गए ये थे, पुरानी कथा बता रहे। अच्छा इनको किसने मारा? बोले एक बार इन्हें गलती से निमंत्रण करा अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि को आतपी ने बुलाया, आइए बैठिए भोजन खाइए। अगस्त मुनि भोजन कर लिए, वातपी पेट के अंदर। अब वही पुरानी ट्रिक, आतपी बोलते हम भाई के बिना नहीं खाएंगे, अगस्त बोलते बुलाओ। बोलते वातपी वातपी वातपी, चिल्लाते चिल्लाते एक घंटा हो गया, वातपी आए नहीं। अब अगस्त मुनि ने डकार ली तो वातपी की सुगंध आई। आतपी बोलते, अरे वातपी क्या हुआ? अगस्त बोले, तुमको पता है मैंने 7 समुद्रों का जल अकेले ने पिया था, तो ये तुम्हारा वातपी कहाँ खो गया पता नहीं। तो जैसे ही ये सुना तो आतपी अपने आप अपने प्राण छोड़ देता है। तो रामायण में ये कथा आती है और बहुत अच्छे संदेश देके जाती है। देखिए आतपी और वातपी हमारी बाह्य दोष और आंतरिक अनर्थों को संबोधित करते हैं। बाह्य दोष तो हम बड़ा सतर्क रहते हैं कि चलो मंदिर में बैठे हैं, थोड़ा भद्रता से बैठे, जब घर जाएंगे तो फिर चड्डा पहन के बैठ जाएंगे, तो हमारा भद्रता बाह्य दोष तो फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक दोषों को क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं, आंतरिक दोष हमारी भक्ति का विनाश कर देते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक दोषों का दमन करना होगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, चेतो दर्पण मार्जनम, पहले अपने हृदय की शुद्धि करो। हृदय की शुद्धि कैसे होती है? भगवत नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवत नाम लेते हैं तो ये वातपी विनष्ट हो जाता है, और जब आंतरिक अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो बाह्य शिष्टाचार तो अपने आप आ जाता है। तो अभी सबके कदम बड़ी तेजी से चलने लगे कि अभी 9 भी बजने वाले हैं और अगस्त मुनि से मिलना भी है, तो जल्दी जल्दी चल के अगस्त मुनि की कुटिया में आए। अगस्त मुनि दोनों का बड़ा स्वागत अभिनंदन करते हैं, राम लक्ष्मण दंडवत प्रणाम करते हैं, सीता भी प्रणाम करती हैं, अगस्त मुनि आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि आपके केवल नाम जप से भद्रता पवित्रता सब आ जाती है, आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो राम ने अगस्त मुनि से विशेष बातचीत की कि देखिए मैंने रस्ते में ऋषि मुनियों की अस्थियों का पहाड़ देखा और मैं उसको सहन नहीं कर पाया, तो आप मुझे बताइए असुरों का वध मैं कैसे करूं। अगस्त मुनि बोलते हैं कि भगवान आपकी एक भेंट हमारे पास रखी है, वही आप ले लीजिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने जो धनुष इस्तेमाल किया था वह धनुष, स्वर्णिम धनुष अगस्त मुनि ने भगवान राम को दिया, और ऐसी तरकस दी जो कभी खत्म नहीं होगी, 2 तलवारें दी लक्ष्मण और राम दोनों को। और इस प्रकार से सारी वस्तुएं दे करके भगवान बोलते हैं कि आपके रहने का उपयुक्त स्थान है पंचवटी, आप पंचवटी चले जाइए, वहां पर गोदावरी नदी बहती है और आपके रहने के लिए उपयुक्त स्थान है पंचवटी। भगवान पंचवटी की तरफ अग्रसर होते हैं और जैसे ही पंचवटी के शुद्ध वातावरण में भगवान प्रवेश करते हैं, एक विशाल काय गिद्ध उनको दिखता है। डर जाती है सीता, भगवान एक और असुर आ गया, पहले ही तो विराट आया था, आपको लेके फिर उड़ जाएगा, क्या करे। भगवान राम सोच विचार कर रहे थे, लक्ष्मण ने तो तीर ही चढ़ा लिया, बोलते रुको इंट्रोडक्शन करने दो,
इंट्रोडक्शन करने की प्रथा भगवान की थी। भगवान पूछते हैं, हे गिद्धराज आप कौन है? तो मैं जटायु हूं, मैं गरुड़ का भाई हूं और मैं दशरथ का मित्र हूं। भगवान राम के परिचय देने से पहले ही बोला कि मैं दशरथ का मित्र हूं। तो जैसे ही बोला, भगवान राम अपना परिचय देते हैं कि मैं उन्हीं दशरथ का पुत्र हूं राम, और ये मेरे अनुज हैं लक्ष्मण, मेरी भार्या है सीता। तो ये सुनकर जटायु बड़े गदगद हो गए। जटायु के शरीर में जरा सी भी जान नहीं थी। आप वो कथा जानते हैं, सूर्य के पास जाते हैं सारे पंख जल जाते हैं, और ऐसी अवस्था में, वृद्ध अवस्था में भी थे, उड़ने इत्यादि की शक्ति भी नहीं थी, फिर भी जटायु भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ। बताइए, आप पंचवटी में रहेंगे या आसपास में बहुत असुर हैं, तो ये जो मेरी बहू है सीता, इसकी सुरक्षा मैं करूँगा। राम लक्ष्मण बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम भी तो वहीं रहेंगे ना। मैंने, कभी आपको जाना पड़ेगा, कभी आप वन में जाएंगे, कभी ईंधन लाना होगा, कभी कंदमूल लाने होंगे, तो उस अवस्था में मैं सीता की सुरक्षा करूँगा। भगवान राम बोलते ठीक है। भगवान सोचे इतना वृद्ध पक्षी है, क्या ही सुरक्षा करेगा, लेकिन भगवान सेवा भाव को देखते हैं। सेवा बड़ी ना हो चलता है, सेवा भाव बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बूढ़े होने से पहले ही हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी हमारी जो अवस्था है उसमें क्या कर सकते हैं, भगवान को वो सेवा भाव देखना रहता है। देखिए, दो पक्षियों की कथा हम सुन रहे हैं। ये अरण्य कांड में दो पक्षियों की कथा सुनी, पहले किसकी सुनी, आगे पाठ पीछे सपाट, किसकी सुनी, जयंत की, कौवे की। उसका विचार क्या था, सीता को देखते से ही भोग वृत्ति थी कि कैसे हमारी अप्सराओं से सुंदर कोई महिला भूमंडल पे हो सकती है। भोग वृत्ति से जयंत ने आया और सीता के सम्मान को आघात पहुंचाते हुए चोंच मारी। और यहां दूसरा पक्षी है, इसके शरीर में शक्ति नहीं, लेकिन इसकी भावना क्या है, मैं सीता के सम्मान की रक्षा करूंगा, यह भावना होती है। बाह्य आवरणों से भक्ति का विचार नहीं होता है। कौन कितना बड़ा भक्त है, अभी हम कल एक जगह पर गए थे तो एक 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 व्यक्ति हमको पूछ रहे थे कि जो आपकी चोटी होती है उससे पता पड़ता है कि कौन कितना सीनियर है, जितनी लंबी चोटी उतना सीनियर। हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ उल्टा होता है, जितना नया भक्त उसकी लंबी चोटी, बूढ़ा होता जाता है, बाल झड़ते जाते हैं। तो चोटी से गंभीरता का विचार नहीं, वेशभूषा से गंभीरता का विचार नहीं। हम लोग चिंतन कर सकते हैं, काल नैमि रावण इत्यादि साधु वेश में आए थे और यहाँ जानवरों के वेश में, यहाँ जटायु है, हनुमान है, सुग्रीव है, जांबवन है, यह सब जानवरों के वेश में आकर के शुद्ध भक्त है। तो बाह्य दृष्टिकोण से कभी भक्त का विचार नहीं होता है, उसकी भक्ति कितनी तीक्ष्ण है, उसकी भक्ति कितनी उन्नत है, उससे भक्ति का विचार होता है। तो इस प्रकार से जटायु की भक्ति को भगवान ने स्वीकारा और पंचवटी में आकर के भगवान निवास करने लगे। बहुत सुंदर उद्यान, ये चित्रकूट से भी ज्यादा सुंदर था। पांच बड़े बड़े वृक्षों के बीच में भगवान ने एक स्थान का चुनाव किया। उस स्थान के पास में गोदावरी नदी बह रही थी। लक्ष्मण ने नदी के पानी से उस स्थान को सिंचित किया, पवित्र किया, और एक सुंदर कुटिया लक्ष्मण ने अपने हाथ से राम और सीता के लिए बनाई। भगवान राम लक्ष्मण को देख करके बड़ा प्रेम से भर गए कि देखो, मैं अयोध्या छोड़ करके आया हूं, लेकिन लक्ष्मण मुझे अयोध्या की कमी महसूस नहीं होने दे रहा है। वन में जाते हैं वहां महल बना देता है, वो कुटिया कुटिया नहीं, वास्तव में महल समान ही थी। तो उस स्थान में भगवान राम जैसे ही प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण को आलिंगन करते हैं और पंचवटी में आकर के भगवान विश्राम करते हैं। तो ये भगवान को विश्राम करने देते हैं, हम भी विश्राम करते हैं, कल आगे की कथा सुनेंगे। भगवान श्री रामचंद्र की, रामनवमी महामहोत्सव की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमनंदे हरि हरि, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग एक
भजन गाएंगे साथ में। आप सबको ये भजन याद है, फिर भी ऋषभानंद प्रभु प्रोजेक्ट कर सकते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। तो भगवान को प्रार्थना करते हुए हम लोग इस संकीर्तन को स्वीकार करेंगे, इस कथा को विराम करेंगे। भगवान के दर्शन अभी 2 मिनट में खुल जाएंगे, आप लोग भाव से भगवान का वंदन कीजिए, उनको पुकारिए, जिससे ये दर्शन को जैसे सुतीक्ष्ण ने कैमरा में नहीं अपने चिंतन में फोटो खींचा था, वैसे खींच करके लेकर के जाएंगे। हरे कृष्ण।